ये है हीरो कंपनी ग्लैमर सुपर स्प्लेंडर बाइक का सिलेंडर ब्लॉक। सिलेंडर ब्लॉक ये 50 नंबर का पहले से बोर हो चुका है। जब भी गाड़ी धुआं मारता है, सफ़ेद धुआं देता है सेंसर के जरिए से, तो हम इस ब्लॉक को बोर कराते हैं या फिर इसका सिर्फ रिंग चेंज करते हैं। इसमें 50 नंबर का बोर हो चुका है पहले से। तो गाइस ये देख सकते हैं, ये है 50 नंबर का पिस्टन और इसे अगर हम चेक करेंगे तो ये फ्री इसमें जाता है। ठीक है, ये मैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ इस पिस्टन को लिया हूँ। मैं आपको बताऊँगा कि इसमें स्लीव कैसे लगवाना है। ठीक है, मान के चलो आपकी गाड़ी का 100 नंबर पिस्टन लग चुका है, सिर्फ 100 नंबर तक ये सिलेंडर ब्लॉक बोर हो चुका है। उसके बाद आप चाहते हैं कि हम सिलेंडर ब्लॉक नया लगाएं। तो सिलेंडर ब्लॉक का जो दाम होता है वो हाई होता है, जिससे कि इस ब्लॉक को अगर हम लगाना चाहें तो 2900-2300 रुपये करीब में इसका लग जाता है। ठीक है, ये 2900 के करीब में ये सिलेंडर ब्लॉक आता है। 50 से या फिर 100 नंबर तक सिलेंडर ब्लॉक बोर हो गया है तो फिर इस ब्लॉक को हमें चेंज करना पड़ता है। आगे हम ब्लॉक बोर नहीं कराते क्योंकि पिस्टन का जो साइज़ है वो बड़ा हो जाता है। उसके बाद हम चाहते हैं कि सिलेंडर ब्लॉक को पूरा चेंज करते हैं, या फिर किसी भी तरीके से पहली बार हमारी गाड़ी धुआं मार रही है और मुझे बोर नहीं कराना है तो फिर सिलेंडर ब्लॉक को नया डालना है, तो उसमें क्या होता है बहुत सारे पैसे लग जाते हैं। तो वो तो खुद बखुद ऐसे ही नया डाल देते हैं, जिसको कि बोर नहीं कराना तो वो फिर नया डाल ही देते हैं। और जिसे बोर कराना है तो 25 से लेकर यानी कि 100 तक बोर हो चुका है और उसके बाद हम सिलेंडर ब्लॉक को चेंज करते हैं। और सिलेंडर ब्लॉक चेंज करने का इरादा हमारा नहीं रहा और हम चाहते हैं कि स्लीव लगवा कर कम पैसे में हम काम करा लें, तो ये कैसे कराएंगे और इसमें कितना लग जाते हैं वो सारी जानकारी हम देने वाले हैं इस वीडियो में। तो गाइस स्लीव कैसे लगाया जाता है वो हम आपको बता दे रहे हैं। चाहे कोई भी मोटरसाइकिल का सिलेंडर ब्लॉक हो, हम स्लीव लगवा सकते हैं। तो स्लीव लगाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम लेस मशीन उस पर लगाना, बोरवेल मशीन पर लगाना होता है और उसके ज़रिए से हम इसको कटिंग करते हैं। इसको कटिंग करके ये वाला जो पार्ट है ये पूरा पार्ट में निकलवाना होता है, कटिंग करके निकाल देते हैं। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, इस तरह का स्लीव इसमें लगाते हैं। जब हम स्लीव लगाते हैं तो जैसे कि 100 नंबर का सिलेंडर इसका पिस्टन लगा हुआ है, तो हम इस स्लीव में फिर हम स्टैंडर्ड साइज लगाएंगे। जो कंपनी से 0 साइज का आता है पिस्टन लगा हुआ, वही साइज फिर हम इस स्लीव में लगाएंगे और उससे क्या होगा कि हमारी की गाड़ी की माइलेज और पिकअप और बढ़ जाती है। ज़्यादा बोर होने के बाद माइलेज और पिकअप घट जाती है, तो यानी कि 100 का अगर बोर हुआ है तो गाड़ी की माइलेज भी कम देगी, गाड़ी माइलेज कम देगी और साथ में गाड़ी की पिकअप भी डाउन हो जाती है। तो फाइनली इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसमें स्लीव लगवाते हैं। तो स्लीव अगर आप लगवाना चाहें तो मात्र 700 रुपये के करीब में स्लीव लग जाती है। ठीक है, 700 रुपये के करीब में स्लीव लग जाती है, इसमें हर चीज़ फिनिशिंग हो जाएगी और फिर पिस्टन वगैरह लगा के 1400 रुपये या फिर करीब 1300 के करीब में ये फिनिशिंग हो जाती है। ठीक है, इस तरह की बाइक की। अब दोस्तों अगर इसमें अगर 2900 में पैसे हमारे लगते हैं और उसमें हम 1300 रुपये में अगर काम कराएं तो हम बिल्कुल करा सकते हैं, तो स्लीव बिल्कुल सक्सेस है। अब सक्सेस मैं आपको बताऊं कैसे होता है सक्सेस। जब हम नया सिलेंडर ब्लॉक लेंगे किसी भी कंपनी का लेंगे, जैसे हीरो का है, बजाज का है, TVS का है, ओरिजिनल अगर जेन्युइन लेते हैं तो पिस्टन जो होता है वो फ्री होता है, पिस्टन फ्री होता है। और जब हम गाड़ी में सिलेंडर लगा कर स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी ज़्यादा दिन चलता नहीं है, कम ही चलता है और गाड़ी धुआं मार देती है। और बहुत सारे सिलेंडर तो ऐसा होता है कुछ चलता ही नहीं है और धुआं मारती है, जैसे जिस दिन से मैंने लगाया दूसरे दिन से गाड़ी धुआं मारना शुरू कर दिया, यानी कि वो शुरू से ही सक्सेस नहीं होता। लेकिन अगर आप स्लीव लगवाते हैं तो ये सक्सेस होती है। और स्लीव जब हम लगवाते हैं तो इसको फिर से बोर किया जाता है और स्टैंडर्ड साइज को इसमें फिनिशिंग किया जाता है। फिनिशिंग करने के बाद उस पिस्टन को थोड़ा टाइट रखा जाता है, पिस्टन टाइट रखने की वजह से ही वो ज़्यादा दिन चलता है और कंपनी का पिस्टन फ्री होने की वजह से कम दिन चलता है। और पहले से भी जो रिंग होता है कंपनी का वो थोड़ा गैपिंग रहता है और जब हम लोग से स्लीव लगवा के बोर कराते हैं तो उसका जो फिनिशिंग का रिंग का गैपिंग है वो बिल्कुल सटा हुआ रहता है और पिस्टन टाइट रहता है, इससे ज़्यादा चलता है। चाहे हम स्लीव लगवाएं या फिर उसको बोर कराएं, बोर कराने के बाद थोड़ा सा पिस्टन टाइट रहता है और काफ़ी दिन चलता भी है। तो आप जो चाहे करा सकते हैं। अगर आप बोर कराते हैं तो बोर का चार्ज मात्र 220 रुपये तक होता है और पिस्टन वगैरह लगा के 1000 रुपये लमसम में ये बोर हो जाती है। और अगर स्लीव लगवाना चाहते हैं और यही सिलेंडर रहेगा तो स्लीव के कम से कम 1300 के करीब में पिस्टन रिंग वगैरह लगा के और स्लीव लगा के ये कम्प्लीट हो जाती है। बाकी दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा ये हमारे क्षेत्र का ये रेट हुआ, बाकी अगर आप अपने क्षेत्र से वीडियो देखते हैं तो आपके वहाँ का क्या रेट है ये हम आपको कंफर्म नहीं बता पाएंगे। तो अपने वर्कशॉप से जाकर पूछे, उनसे मिस्त्री से पूछे कि आपके वहाँ कितना लगता है, वो उनके हिसाब से वो अपने हिसाब से लेंगे। ठीक है, तो आप इस तरीके से करा सकते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आपके पास सुपर स्प्लेंडर बाइक है, अगर आप उसमें स्लीव लगवाते हैं तो स्लीव बिल्कुल सक्सेस है। सिलेंडर सक्सेस हो या ना हो लेकिन स्लीव सक्सेस होगी।
ठीक है, स्लीव भी कोई का अच्छी कंपनी का होना चाहिए। हालांकि स्लीव आपको हीरो की कंपनी में नहीं मिलेगी, किसी भी ओरिजिनल कंपनी का नहीं मिलेगा, ये किसी भी ब्रांड का मिलेगा और उसे ही हम लगाते हैं। दोस्तों मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि सिलेंडर ब्लॉक सक्सेस नहीं है, हो सकता है आपकी गाड़ी का सिलेंडर ब्लॉक सक्सेस ना हो। बहुत सारे सिलेंडर ऐसे हैं जो जल्दी धुआं मार देता है और बहुत सारे सिलेंडर ब्लॉक धुआं नहीं मारता और वो सक्सेस हो जाता है। लेकिन स्लीव जो होता है, स्लीव का पिस्टन, स्लीव में पिस्टन थोड़ा टाइट होने की वजह से साउंड अच्छी मिलती है और सिलेंडर ब्लॉक नया जब बदलते हैं तो उसमें साउंड थोड़ा ख़राब होता है, वो ज़्यादा साउंड करता है, पिस्टन आवाज़ कर जाता है, क्योंकि वो पिस्टन जो है सिलेंडर ब्लॉक में फ्री रहता है। नया ब्लॉक किट में सिलेंडर नया ब्लॉक किट में पिस्टन फ्री रहता है और हम जब बोर कराते हैं फिर स्लीव लगवाते हैं तो पिस्टन टाइट होने की वजह से साउंड भी अच्छी निकलती है। तो आप जो चाहे करा सकते हैं, मैकेनिक के मशवरे से आप काम करें। अगर आप एक मैकेनिक है तो आप खुद समझ सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए।